बताऊंगी आपको कि हम मखाने का खीर कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग फास्ट रखते हैं उसमें साबूदाने का खीर बनाते हैं, साबूदाने का टिकिया बनाते हैं और बहुत सारा चीज़ हम फास्ट में बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका खीर बनाएंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में मखाना रखा है, यहाँ पे चीनी है और ये आधा लीटर दूध है। अब हम इस मखाने को कढ़ाई में भूनेंगे। ना इसमें हमको घी का यूज़ करना है और ना हम इसमें रिफाइंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसको भूनने के बाद ग्राइंड करने वाले हैं, इसीलिए हम इसमें घी और रिफाइंड का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए हम कढ़ाई में इसको डाल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं घी और तेल किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। अब इस मखाने को हम भून लेते हैं। जब ये हम लोगों का पूरा हो जाएगा से मतलब है कि हम इसको ऐसे करके तोड़ के देखेंगे कि ये टूट रहा है कि नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि हो गया है, तब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तब तक हम 5 मिनट तक इसको चलाएंगे तो ये हो जाएगा। एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों का ये पूरा भून गया है, हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए इसका आवाज़ सुन रहा है, एकदम से ये हो चुका है। अगर आप खीर नहीं बनाना चाहते हैं तो इसमें आप घी डाल के भूनेंगे और फिर चीनी का चाशनी बना करके ठंडा होने के बाद इसमें आप डाल देंगे, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मैं इसका खीर बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया है। मैंने आपको बताया है कि अगर खीर नहीं बनाना है तो आप कैसे करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए तब तक हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूध बॉयल कर लेते हैं। चलिए हम दूध उबलने के लिए रख देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हम लोगों का ठंडा हो रहा है, अभी ठंडा होगा तब हम ग्राइंड करेंगे, तब तक हम दूध को उबाल लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं हम लोगों का ठंडा हो चुका है, तब तक हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों का पूरा पाउडर बन चुका है, बस थोड़ा थोड़ा जो रह गया है तो एक बार हम इसको और चलाएं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों का दूध पूरा उबल चुका है। तो ये जो मैंने इसको ग्राइंड किया था अब इसमें मैं डालूंगी और इसको बिल्कुल चलाते ही रहना है, क्योंकि ये तुरंत गांठ बन जाता है इसका, इसीलिए हम इसको डालने के बाद चलाते ही रहेंगे। 2 से 3 मिनट में ये आपका पक जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने इसको पहले भी, इसमें डालने से पहले भी भूना है, इसीलिए पाउडर तो ये है ही, दूध भी उबल चुका है, तो ये हम लोगों का 5 मिनट में पक जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों का ये पूरा पक चुका है। मैंने बोला था ना आपको कि 2 से 3 मिनट तक चलाने से ये हम लोगों का पक जाएगा। सबसे लास्ट में मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। देखिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट कोई भी नहीं यूज़ की हूँ, आप चाहते हैं तो इसमें इलायची का पाउडर, काजू, किशमिश इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीके से आपको बना करके दिखाया है कि आप फास्ट में, वैसे भी फास्ट रहता है तो मन एकदम से थका थका सा रहता है कि चलो कौन इतना करे, तो ये आप 5 से 7 मिनट में बना करके खा सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि मखाना हम लोगों के हेल्थ के लिए कितना हेल्दी है। ये देखिए हम लोगों का ये पक चुका है। तो आप ये देख सकते हैं हम लोगों का 5 से 7 मिनट में फास्ट में बनाने वाला फूड, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप घर में बनाएं, टेस्ट करें और मेरे चैनल को लाइक दें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड।